जय गोपाल, क्षमा करना, ये छोटा सा ब्रेक और मैंने मुख से बोला कि सत्संग को विराम देते हैं, कुछ मेल नहीं खाया, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। आइए अर्जुन के प्रश्नों का और अर्जुन की शंका का समाधान स्वयं भगवान के श्री मुख से सुनते हैं। सुनने को जब ही मिलेगा जब अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएगा। इससे पहले भगवान ने गीता का कोई भी ज्ञान अर्जुन को नहीं कहा है। अभी तो अर्जुन को फटकारा है, अलर्ट किया है सुनने के लिए कि बी अवेयर, अब मैं तेरे सारे भ्रमों का भूत भगाता हूं। अर्जुन को जगाया है, जागृत किया है, बी अवेयर, बी कंसंट्रेट व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से यू, हियर जेंटली, मेडिटेटिवली, कंसंट्रेटिवली व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से यू, बी अलर्ट ओ अर्जुन। अर्जुन को जगाया है, बी अवेयर, कम इन कॉन्शियस, डोंट बी ए फूल, नामर्द मत बन अर्जुन, मर्द बन, तुच्छ कायर मत बन अर्जुन, पहचान अपने स्वरूप को, तू कौन है। लेकिन अर्जुन ने तो कहा यदि मैं अपने स्वरूप को पहचान भी जाऊं तो मुझे ये युद्ध करना पड़ेगा, फिर कैसे, कथम भीष्म, इस युद्ध मैदान में कैसे मैं भीष्म पितामह के ऊपर बाणों की बारिश करूंगा, कैसे मेरे गुरु और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चलाऊंगा, कैसे, कथम भीष्म पितामह द्रोणम च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोच्छामि पूजार्हा वरिसूदन। अरे मधुसूदन, ये तो मेरे पूजनीय आदरणीय इशु भी तीरों से, संखे रण क्षेत्र में, कैसे मैं प्रतियोच्छामी इनके बाणों का सामना करूंगा। नहीं केशव, भीख मांग लूंगा, इन गुरुओं को नहीं मारूंगा, और इनको मार करके तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, जिंदा रहकर आखिर करूंगा क्या, ये खून से सने हुए सिंहासन पर बैठूंगा, खून से सने हुए राज सुख भोग करूंगा, खून से सने हुए मार्गों को देखूंगा, महलों को देखूंगा, गुरु मेरे गुरुजनों के खून से। नहीं केशव, ये मैं नहीं करूंगा। और फिर, और आप भी सोचिए कृष्ण, हमको तो ये भी तो मालूम नहीं कि विजय उनकी होगी या हमारी, झंडा उनका लहरेगा या हमारा, झंडा धर्म की लहरेगी या उनका अधर्म का, और उनका विजय पताका पहनाना उचित है, वो भी तो गुरु जन है, या फिर हमारा उनको मारने के बाद कैसे धर्म की ध्वजा लहराएगी। कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। और यदि इनको मार भी दिया और पताका भी हमने पहना दी तो
ऐसी पताका को देख करके मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं खुद मर जाऊंगा, मैं इस पताका को नहीं पहनना चाहता, पहनाना चाहता। हे कृष्ण, मैं जीना भी नहीं चाहता। इस तरह से अर्जुन कह रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्लोक सातवां है भागवत गीता का, दूसरा अध्याय। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन वाचो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म असम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम्। ये बड़ा प्रधान श्लोक है, अर्जुन का बड़ा प्रधान प्रश्न है। इस प्रश्न, यही गीता का फाउंडेशन है, गीता का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा इसी श्लोक से शुरू होती है। इस श्लोक से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस नीम के पत्थर से ही श्रद्धा और भक्ति का दान मिल पाता है। अर्जुन ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। हे कृष्ण, ये कृपणता के कारण, ये कार्पण्य दोष के कारण, ये तुच्छ विचारों के दोष के कारण, ये दुर्बलता के कारण, ये मोह ममता के कारण, ये मैं और मेरे के कारण मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, मैं भ्रमित हूं। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, ऐसा कुछ मेरा स्वभाव में, ऐसी मेरी प्रकृति बन गई कि मैंने इस कृपणता को स्वीकार कर लिया है। अब मेरी प्रकृति इस स्वभाव के कारण, ये मोह ममता के कारण बनी है, शरीर कांप रहा है और मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, मैं भ्रमित हूं, मैं विचलित हूं, मैं अपनी स्थिति में नहीं हूं। आप भी यही कह रहे हैं, मैं कुछ निम्न विचारों में उतर गया हूं, मैं कृपणता में, कंजूसी में उतर गया हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मोह रूपी शत्रु ने मेरे ऊपर मेरा सीना छलनी कर दिया है और मैं कमजोर हो गया हूं, मैं मर्दानगी को नहीं अमर्दानगी को प्राप्त हो गया हूं। आप भी कह रहे हैं, तो फिर जो मेरे हित में श्रेष्ठ हो वो आप कहिए। मैं तो इस विषय में कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप तो देख रहे हैं, तो जो मेरे विषय में, जो मेरे पक्ष में भले में हो जिससे मैं अपनी आर्यता को भी नहीं खोऊं, अपनी उच्च गति को भी नहीं खोऊं, अपनी महावीरता को भी, अपनी ख्याति को भी नहीं खोऊं, अपने धर्म को नहीं खोऊं, अपने गांडीव को और बाणों को नहीं खोऊं, और युद्ध को भी नहीं खोऊं, और युद्ध की विजय को भी नहीं खोऊं,
ऐसा कुछ जो मेरे पक्ष में हो, कोई श्रेष्ठ विचार यदि आपके पास है तो मुझे अवश्य कहिए। हे केशव, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, तो मैं, मेरा जो चैतन्यता है ये खो गई है, निम्न स्तर पर आ गई है। ये तो सत्य है कृष्ण, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, इस विषय में, इस धर्म युद्ध धर्म में, इस विषय में, मेरे धर्म के विषय में, कि ऐसी स्थिति में मेरा क्या धर्म बनता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है, कौन सा मार्ग मेरे लिए हितकर है और कौन सा हितकर नहीं है, वो आप बतलाइए। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आपके चरणों में, आप मुझे मार्ग बतलाइए, मेरा धर्म बतलाइए, मेरा कर्तव्य बतलाइए। इस समय ऐसी परिस्थिति में आपको तो दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मेरे सामने तो, मैं तो विचलित हो गया हूं, भ्रमित हो गया हूं, मोहग्रस्त हो गया हूं। मोह तो अंधकार का स्वरूप है, तमोगुण का स्वरूप है, अंधकार में कुछ नहीं दिखता, यह सत्य है। लेकिन आपको तो नहीं दिखाई, आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप तो उजाले में है श्री कृष्ण, आप मुझे बतलाइए। ऐसी परिस्थिति में आपको सब परिस्थिति का मालूम चल चुका है, मेरे नेत्रों के आंसुओं का पता चल चुका है, मेरे हृदय की दुर्बलता का पता चल चुका है, मेरे को मोह ने डस लिया है, मोहरूपी शत्रुओं ने बाणों से मेरा हृदय छलनी कर दिया है, आपको पता चल चुका है। मैं मर्दों की तरह, आर्यों की तरह बात नहीं कर पा रहा हूं, ये भी आपको पता चल चुका है। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी त्वचा जल रही है कि मैं ये क्या महापाप करने जा रहा हूं, आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब आप तो जानते हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि रास्ता क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, लेकिन आप तो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। प्रच्छामि त्वाम, तो मैं आपसे पूछता हूं, यच्छ्रेयः सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, तो निश्चित रूप से मेरे जो भले में है, मेरे जो हित में है, वो आप कहिए, मुझसे कहिए। हे जनार्दन, आप मुझसे कहिए, यच्छ्रेयः जो श्रेष्ठ है, मेरे भले के लिए है, श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ धर्म है, इस परिस्थिति में क्या मेरा श्रेष्ठ धर्म है, वो आप कहिए। यच्छ्रेयः सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो मुझे निश्चित रूप से आप कहिए जनार्दन। शिष्यस्ते अहम् शादिमाम त्वाम प्रपन्नम्, मैं आपकी शिष्यता को स्वीकार करता हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। और त्वाम प्रपन्नम, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, और मुझे मार्गदर्शन कीजिए मेरा। शादी माम, मुझे ज्ञान उपदेश कीजिए, मुझे अत्यंत आवश्यकता है उस ज्ञान की जिसमें मेरा भला हो। हे कृष्ण, हे गोविंद, आप मेरे गुरु स्वरूप से और मैं आपका शिष्य स्वरूप से आपकी शिष्यता स्वीकार करने के लिए गिड़गिड़ा रहा हूं आपके चरणों में, मेरा सर है,
आप मुझे अपनी शरण में भी लीजिए और मुझे ज्ञान उपदेश कीजिए प्रभु, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मेरा धर्म बतलाइए, मेरा धर्म क्या है इस परिस्थिति में। हे गोविंद, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, नम्र हृदय से, गदगद हृदय से, गिड़गड़ाते हुए, हाथ जोड़े हुए, कांपते हुए गोविंद को गुरु स्वरूप से स्वीकारा। गुरु से ही ज्ञान मिलता है, अन्यत्र नहीं। जय गोपाल।